हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमसे चर्चा करेंगे एक्सपीरियंस वीडियो 34 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले आसनसोल और हावड़ा सेंटर में कैसे एग्ज़ाम हुआ और कैसे जो है आपको ट्रेट टेस्ट में लोग पास हो रहे हैं और कैसे स्टूडेंट जो उसमें फेल हो रहे हैं, क्या रीज़न है जो फिर से जो है इस बार भी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट फेल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस वीडियो आज का है, जो हमारे एक स्टूडेंट ने अभी जो हमें शाम को जो है मैसेज किया था, फिर हमने उनसे कॉन्टेक्ट करके जो है उनका पूरा एक्सपीरियंस सुना और समझा, उसके बाद एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको आरपीएफ ट्रेड टेस्ट से संबंधित सारे वीडियो अपलोड होते हैं और दोस्तों साथ ही आपको कुछ रेसिपीज़ के नाम, जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ पूछे जाते हैं, जैसे वो पल्स हों, चाहे राइस हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो स्पाइसेस हों, मतलब जो कुछ भी पूछा जा रहा है, मसाले वगैरह सभी के नाम के जो भी लिस्ट हैं वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा आपको कि आसनसोल पहुंचने का तरीका तो आप सभी को पता होगा, बट मैं आपसे कहूंगा कि आज काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसे मैसेज किया कि सर हमारी क्या हुई, ट्रेन मिस हो गई। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर हम थोड़ा लेट हो गए और लेट होने की वजह से हमारा शायद लेट पहुंचे, इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम सभी को ये बता दूँ कि लेट आप पहुँचते हैं एक दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि आपका इंप्रेशन ख़राब पड़ता है ज़रूरत से। अगर उनके पास 10 से 12 स्टूडेंट्स को निकालना है रोज़ के हिसाब से और वो स्टूडेंट्स उन्हें पहले मिल गए, तो उसके बाद क्या करते हैं, जो व्यक्ति लेट आए स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ नॉर्मली चेकआउट करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि टाइम पर पहुँचने की, क्योंकि टाइम पर पहुँचेंगे तभी आपका जो है काम सही ढंग से होगा। तो दोस्तों, आपको समय पे पहुंचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है कि टाइम पे आप, टाइम मैनेजमेंट को आप ध्यान दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि लेट अभी आएंगे तो भी चल जा रहा, तो ये दोस्तों नहीं चलेगा आपका। क्योंकि अगर आपको लगता है कि समय से नहीं भी पहुंचेंगे तो भी सर ले लिया जा रहा है, हमारा ट्रेड हो जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। क्योंकि भले ही आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बैठा दिया जाता है, बट आपका जो मार्किंग है निगेटिव मार्किंग हो जाता है। आपको पता ही है कि आपका 40 मार्क्स मिलते हैं, जी हाँ, और ये 40 मार्क्स आपको कब और कैसे मिलते हैं ये आपको नहीं पता, जी हाँ दोस्तों। तो ये चीज़ें जो है वो आपको कहाँ मिलती हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज का डॉक्यूमेंटेशन में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, पर आज मैं फिर से बता दूँ कि आपके पास जो भी है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, आप लेकर जाइए, वहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा है। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कि सर मैंने जो है सेलेक्ट करते समय ओबीसी कर दिया था, जबकि मैं जनरल में हूँ, गलती से वहाँ सिलेक्शन मतलब हो गया है, तो सर अभी क्या दिक्कत होगी। जी हाँ बिल्कुल दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि आपका जो कट ऑफ निकला था वो निकला था आपका ओबीसी के हिसाब से और आप हैं जनरल, अब आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कि आपको जो है वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। आप समझाइए उन्हें, कोशिश कीजिए, अगर हो जाती है बात करने से तो ठीक है, अदरवाइज़ दोस्तों दिक्कत तो आपके लिए बहुत बड़ी है। तो ये सब मत कीजिएगा कभी भी, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र से कुछ हो जाता है गड़बड़ी ऊपर नीचे, तो आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान से पढ़िए और ध्यान से फॉर्म भरिए। क्योंकि आपको जो है ये सारी दिक्कतें कब होती है, डीवी में, जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए हमेशा क्या है फॉर्म भरते समय सावधानी बरती है। जाति प्रमाण से पहले आता है हमारा सबसे चीज़ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को तो आपको पता है कि सबसे पहले उसको प्रिंटआउट लेना है, वो भी दो प्रिंटआउट लेना है, एक प्रिंटआउट घूम भी गया तो भी चलेगा, बट एक आपके पास हमेशा एडवांस में होना ही चाहिए। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेके। नंबर दो पे आ जाएगा अगर हम, तो हमारा आता है 10वीं और 12वीं का जो आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो पासिंग हो चाहे मार्कशीट हो, आपके पास जो कुछ भी है आपको ओरिजिनल लेकर जाना होगा। दो बंच में आपको जेरोक्स लेना है इन सब चीज़ों का। तो डॉक्यूमेंट्स को हमेशा प्रिपेयर कीजिए और संभाल के ले जाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक बार घूम जाते हैं दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को हो सके जितना कम हो उतनी, जितनी ज़रूरत हो, मतलब एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मत लीजिए, जितनी ज़रूरत मांगी गई है उतने ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंटेशन को। तो लेकिन अब बात करेंगे हम ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट में आज भी लगभग 350 स्टूडेंट आए थे, हमारे जो मित्रगण हैं उन्होंने मुझे बात की, तो उन्होंने कहा कि लगभग 350 के आसपास रहे होंगे स्टूडेंट। तो सर दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पर जो बैच डिवाइड हो रही है वो कभी 20 की हो रही है, कभी 15 की हो रही है। वो डिपेंड करता है हमारे जो स्टूडेंट्स की संख्या है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग लेट आ रहे हैं तो उनको ऐड ऑन कर दिया जाता है, कुछ लोग नहीं हैं मतलब बचे हुए हैं तो 15-16 लोग बचे तो उनके ग्रुप बना के ट्रेड टेस्ट ले लिया जा रहा है। लेकिन पहला चीज़ हो रहा है कि सर पहले तो कभी कभी मसाले पूछ रहे हैं, कभी सब्जियां पूछ रहे हैं, कभी दाल के नाम पूछ रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ नए नए ऐड ऑन होते जा रहे हैं। बट फिलहाल जो है आज के दिन पूछा गया था आपसे मसाले और दाल के नाम, तो जो दाल और मसाले हैं इनके चीज़ें ये हैं कि आपको जो है सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हमारे चैनल पर आप देख भी सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं वो करना है तो आप जाइए शॉप में जाइए, वहाँ पर अच्छे से एग्जामिन कीजिए कौन सी चीज़ का नाम क्या है, कैसी दिखती है, ताकि जो है आप एग्ज़ाम के फर्स्ट राउंड से ही बाहर ना हो।
तो ये हो गया आपका ये चीज़। अब नंबर आ जाता है हमारा ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ट्रेड के लिए आज आपको क्या किया गया है, आज इनसे भी बनाई गई दोस्तों दाल। जी हाँ, कुछ लोगों से दाल बनवाई गई थी, कुछ लोगों से खीर बनवाई गई थी, कुछ लोगों को जो है फास्ट फूड मेकिंग यानी पकौड़ी तलने के लिए कहा गया था। पकौड़ी तलने के लिए आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। हम अपने एक वीडियो में आपको उसके बारे में बताने वाले हैं, पूरा रेसिपी, किस प्रकार आपको बेसन सानना है, किस प्रकार उसको छानना है, कितना गर्म होना चाहिए, कितना लाल होना चाहिए, इस प्रकार जो है आपको टोटल प्रोसेस जो है रेसिपी का वो बताने वाले हैं। तो आज बताने वाले हैं हम आपको दाल के बारे में कि कहीं आज जो हमारे स्टूडेंट का हुआ वो दाल का टेस्ट हुआ। तो दाल का जो टेस्ट हुआ वो दाल उन्होंने बनाई अच्छी खासी और उनका जो है सिलेक्शन भी हो गया। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि उन्होंने जो दाल बनाई उसके बाद उन्होंने चावल बनाया और उसके बाद उन्होंने रोटी बनाया। तो ये तीन चीज़ें उनसे पूछी गई थी क्योंकि उनका स्टेप एक एक क्लियर होते जा रहा था, इसलिए उनका काम जो है तीन बार। अगर आप पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं तो आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाता है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कितने गलत सवाल के बाद भी आपको मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक मौका मिल रहा है और वो मिल रहा है आपको फर्स्ट राउंड में। जी हाँ, फर्स्ट राउंड जो आपका पूछा जाता है मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, दाल के नाम, राइस के नाम, तो ये सब चीज़ें अगर आप में वहाँ पे एक राउंड एक गलत भी बता देते, जैसे सात आठ आप सब्जियां हैं और वहाँ से आपने पांच या छह के सही बोले तो भी आप जो है पास कर दिए जा रहे हैं। तो ये मत दिक्कत सोचिए कि आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा। जी नहीं, आपको एक से दो चांस दिया जा रहा है लेकिन फर्स्ट राउंड में दिया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाटर जो आपका जो ट्रेड चल रहा है, जी हाँ दोस्तों वाटर कैरियर वाला, तो अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि चलिए मुझसे दाल नहीं बनी तो मुझे शायद सब्जी बनाने का मौका मिलेगा, जी नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही मौका है, फर्स्ट एंड लास्ट। जी हाँ, अगर आप उसमें अच्छा करते हैं, पास होते हैं, तब जाके आपको सेकेंड राउंड में भेजा जाता है, जो थर्ड राउंड जिसे कहते हैं टोटली। तो जब ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि कहाँ पे आपको मौका मिलेगा और कहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें अपने पहले से गांठ मान लीजिए कि आपको कहाँ गलती करनी है बाय चांस अगर होती भी है और कहाँ गलती बिल्कुल की भी कोई चांस नहीं है। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में तो एक चांस चलो मिल जाएगा कि आपने बाय चांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो एक जो चांस आपको वहाँ पे दे दिया जा रहा है, बट आपको ट्रेड टेस्ट में बिल्कुल नहीं दिया जाता है। दाल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी आज की, इन्होंने बताया सर मैंने दाल बनाने के बाद सबसे पहले क्या किया कि जो किचन था मेरा उसे मैंने साफ़ किया, उसके बाद एक छोटी सी कटोरी ली उसमें जो है दाल को निकाला और उसके बाद ऊपर से थोड़ा धनिया का पत्ती डाल दिया था, उसको एकदम सजावट के साथ उसमें एक चम्मच जो है डिप करके रख दिया था। फिर जब एग्जामिनर जो कांस्टेबल था वो आए, उन्होंने दाल को टेस्ट किया तो उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी, वाकई उनकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई, ऐसी ही तारीफ़ आपकी भी हो दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए, उसे देखिए, समझिए क्या जो है बच्चा जो पास हो रहा है, जो माने जो स्टूडेंट पास हो रहा है, जो हमारा बच्चा पास हो रहा है उसमें क्या क्वालिटी है और आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो मैच कर रही है, और जो नहीं है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, जो पास होते हैं उनके एक्सपीरियंस को अपने साथ जो है अडॉप्ट करना है। तो यहाँ से आपको क्या सीखने मिल रहा है आज हमारे स्टूडेंट से कि आपको जो है दाल बनाने के बाद उसे परोसना, यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वो हमेशा बेहतर हो जाए। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे दोस्तों चांसेस आपके उतने बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम आज यही हुआ। दाल बनाने की रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्योंकि उसमें बताते बताते बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक्सपीरियंस बताने वाले। तो दाल बनाई जा रही है, उसके बाद खीर का भी मैंने बता दिया हूं दोस्तों, खीर बनानी पड़ रही है आपको। तो खीर कैसे बनाना है वो चीज़ें आपको जो है वीडियो के नीचे आप मिल सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आज पूछी गई थी और यही सब चीज़ें की प्रैक्टिस आपको करनी है। जिनका स्टूडेंट का कल या फिर एक हफ्ते तक है वो सभी लोग जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए घर पर अभी से ही। दाल की रेसिपी वगैरह कैसे दाल को अच्छी तरह से धोना है, उन्होंने क्या कहा कि सर मैंने जो है अच्छे से दाल को धोया, उसके बाद जो उसमें एक क्वांटिटी तो आदमी का बनाने को आ गया था तो मैंने छोटा सा गिलास लेके उसे नाप के उसके बाद पानी डाला, फिर नमक हल्दी मसाला टमाटर काट के अच्छी तरह से मीडियम। जी हाँ दोस्तों, आपको जब टमाटर काट के दाल में आप डाल रहे हैं, जी हाँ उसमें आपको क्या करना है, आज जो हमारे स्टूडेंट ने बताया कि टमाटर जो आप काटते हैं वो जल्दी गलता नहीं, आप सभी को पता है ये चीज़ कि टमाटर कोई भी सब्ज़ी में आसानी से गलती नहीं, और आपके पास समय सिर्फ 15 मिनट है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप दाल बना रहे हैं तो 15 मिनट में तो आपका पकेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, टमाटर जब आप काटते हैं तो उसे बहुत बारीक काटिए। जी हाँ, क्योंकि टमाटर का टेस्ट होना चाहिए दाल में, अदरवाइज थोड़ी फीकी हो जाती है और दाल का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। आपको यहाँ क्या करना है, टमाटर को छोटे छोटे बारीक टुकड़ में काट लीजिए, जितना आप छोटे बारीक टुकड़ में काटेंगे उतने कम समय में वो पकेगा। अगर मोटा टमाटर रहेगा आपने इसे फारी फारी काट दिया लंबा लंबा चार छः तो वो पकने में समय लगेगा। तो दोस्तों यह क्या कीजिए, यहाँ पर बारीक टमाटर काटना घर से ही प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वहाँ पर आसानी से एक आधा टमाटर का, दो जन की दाल है तो आधा टमाटर आप अच्छे से काट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें उसको डाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे स्टूडेंट ने जो है अपना स्मार्ट ट्रिक अपनाया, जो स्मार्ट ट्रिक है वो दोस्तों आपको भी अपनाना है। कोई भी चीज़ दोस्तों, कोई भी सक्सेस हो बिना शॉर्ट ट्रिक से नहीं आती। आप सोचते होंगे कि लंबा चौसा प्रोसेस लेंगे, एक लंबा समय लेंगे, हम अच्छे से पकाएंगे दाल, तो आपको ही पता है 15 मिनट का टोटल समय है, 15 मिनट में आपको अपनी कला दिखानी है और इतने स्टूडेंट के बीच, यानी कि 400 स्टूडेंट में अगर 10 स्टूडेंट पास हो रहे तो आप समझ सकते हैं 100 में जो है दो से ज़्यादा पास नहीं हो रहे हैं, यानी कि 100 में से यानी 98 लोगों को आपको
जो है पछाड़ना है, तब जाके आप वो दो में आएंगे जिनका सिलेक्शन होता है। तो वो चीज़ आती है आपके लगन से, आपके प्रैक्टिस से और आपके नॉलेज से। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करेंगे, जब आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, सारे फूड आइटम्स के नाम होगा। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको ये भी बता देते हैं कि आपको फूड आइटम्स के नाम सब याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है चेंज हो जाता है। कभी दाल के नाम पूछे जाते हैं, कभी मसालों के नाम पूछे जा रहे हैं, कभी राइस यानी कि चावल के नाम पूछे जा रहे हैं, बासमती चावल कौन सा चावल है, ये कौन सा चावल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, वेजिटेबल्स भी हैं इसमें कि सब्जियां कौन कौन सी हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। वाटर कैरियर का पूरा अर्थ यही होता है कि आपको जो है किचन किंग है। जी हाँ दोस्तों, आपको किचन किंग मतलब ये हो गया कि आप किचन के बारे में सब कुछ जानते हैं, यानी जितना हो सके। वैसे इसका जो है ट्रेड नहीं था इतना, लेकिन जो है लेवल इतना हार्ड हो चुका है कि अब जो है बारीकियों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कि सर जो इस प्रकार इन लोग कर रहे हैं तो इसके लिए तो इनको ITI जो है प्रमाणित होना चाहिए, क्योंकि जब इतना इनको स्पेशली चेक करना था। तो मैं उनसे यही कह सकता हूं दोस्तों कि आपको जो है ये बात तो सही है आपकी कि इतना टफ़ नहीं होना चाहिए, बट आप भी समझ सकते हैं कि अगर 798 वैकेंसी है और 100,000 से ऊपर के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली जो है टफ़ हो गया यहाँ पे। या तो इनको जो है पासिंग जो इतना कैंडिडेट किए हैं उसको कम करना चाहिए था, ताकि एक लेवल होना सेट होना चाहिए। यहाँ पर लेवल सेट नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये कि जो है इक्वालिटी वो नहीं हो पा रही RPF में, यानी कि किसी स्टूडेंट से एक छोटी सी बारीक सी मिस्टेक्स हो जा रही है। जैसे कि चलिए किसी स्टूडेंट ने जो है खाना बनाया, हल्का सा अगर उसका फीका हो रहा है, कलर में थोड़ा कुछ कमी रह जाती है, आप उसे राउंड से बाहर कर देते हैं। तो ये जो राउंड है ट्रेड टेस्ट में वो आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि 40 मार्क्स का जो आपने क्राइटेरिया रखा है, तो ये 40 मार्क्स कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये चीज़ें अभी तक जो है खुल के बाहर नहीं आ पाई। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत गलत हैं, बट इसके लिए हम कुछ अब कर नहीं सकते फिलहाल। तो अभी जब जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि अगर ऐसा ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है तब हम जो है इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे दोस्तों चैनल के माध्यम से। RPF को मेल करेंगे कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं वहाँ सेंटर पर, बट अभी फ़िलहाल आपको फोकस करना है अपने ट्रेड टेस्ट पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और क्या क्या रेसिपी आज पूछी गई वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और उसकी प्रैक्टिस आज आप भी से करेंगे। अगर आपका 1 हफ्ते के अंदर है तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो लगातार कंटिन्यू चलती हैं। तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सपीरियंस, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।